मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती के हालात से चाहे जितना मुंह मोड़ ले, लेकिन सरकार को विपक्ष के साथ साथ तमाम रेटिंग एजेंसियां उसकी खामियों से रूबरू करवाती हैं। और अब तो आर्थिक मंदी का असर उन योजनाओं पर भी दिखने लगा है जिनका बखान करते मोदी सरकार नहीं थकती है। तो गिरती अर्थव्यवस्था से किन योजनाओं की हालत हुई खस्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार के तमाम मंत्री अपने काम का बखान करते हैं, योजनाओं की सफलता का गुणगान करते हैं, लेकिन अब सरकारी स्कीम्स ही उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से दम तोड़ रही हैं। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर अब सरकारी योजनाओं पर भी दिखने लगा है। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली स्कीम्स के लिए खर्च में कमी आती नजर आ रही है। यूं तो बजट में कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन में कमी नहीं दिखी, लेकिन एक रिपोर्ट के विश्लेषण के मुताबिक ग्रोथ जरूर कम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में 25.6% का इजाफा हुआ था। 2018 में ये 22% रहा। 2019 में महज 2.3% का ही इजाफा किया गया है। इसी तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट में भी लगातार कमी आती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में चुनावी वर्ष में किसान सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा कोई अन्य खर्च में इजाफा नहीं किया गया था। 2020 में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग के अलावा गरीबों के लिए खर्च की जाने वाली राशि में बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2020 की बात करें तो 6.2% बढ़कर 1.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 2019 में गरीबों के लिए 1.66 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई थी। इस तरह से 2019 के मुकाबले 2020 में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में सिर्फ 6.2% का ही इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में गरीबों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम्स के आकलन में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई स्कीम्स को शामिल किया है। इनमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, मिड डे मील समेत कई स्कीम्स शामिल हैं, जिससे साफ है कि जिस मंदी को मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है वो मंदी सरकारी योजनाओं का बंटा धार कर रही है। मगर सरकार का तो अब भी कहना है कि देश में तरक्की हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।